दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं ठीक हूँ। मैं ठीक क्यों नहीं हूँ, मेरी हालत से अंदाज़ा हो रहा होगा यार। मैं कहाँ पे बैठा हूँ ये भी आपका सवाल होगा। मैं आया हूँ अपने गांव में, और गांव में आया हूँ बहुत सालों बाद, और यहाँ पे बहुत शदीद किस्म की गर्मी है, बहुत शदीद किस्म की, जिसने ये हालत कर दी। किस्सा मुख्तसर, यहाँ पे गर्मी बहुत है। काफ़ी देर से सोच रहा था वीडियो बनाई जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा काफ़ी अरसे बाद गांव आया हूँ, बना लेनी चाहिए। बहुत सालों बाद गांव आया हूँ, वो भी अपने अम्मी जान की बदौलत। क्यों? क्योंकि माँ का आखिरी हरबा यही होता है, अगर तूने नहीं जाना तो मैं अकेली चली जाती हूँ। बस फिर मुझे मजबूरन उठना पड़ा और साथ आना पड़ा। तो अब आपका अगला सवाल ये होगा कि ये इंसाफ का गांव किधर? गांव यार है नूरपुर थल। अब थल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि थल में कितनी गर्मी पड़ती है और किस लेवल की गर्मी पड़ती है। यानी कि हर टाइम ही गर्मी पड़ती रहती है। शाम को मौसम ठीक हो जाता है, शाम को मतलब जब सूरज ढल जाता है तब रेत हो जाती है ठंडी, इसके बाद ज़रा हवा चलने लग जाती है। हवा भी चल रही है लेकिन गर्म हवा चल रही है। नूरपुर थल से पहले थोड़ा सा चक है, चक 39, ये हमारा गांव है। तो यार गांव के मज़े भी हैं कुछ यार। देखें पहले यहाँ पे यार ऊँट वगैरह होते थे, ऊँट एड़ियाँ होते थे और कुछ रह गए हैं। अब बहुत से लोग ऊँटों से, कुछ मोटरसाइकिल पे आ गए हैं, कुछ गाड़ियों पे आ गए हैं। फिलहाल जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये है मेरे मामू का आता। मामू मेरे पहले दुबई में होते थे, दुबई से आए कराची और कराची से आए यहाँ पे चक में, चक 39, चक 39 जो कि नूरपुर थल के पास है। इन्होंने यार बहुत सी सब्जियां लगाई हैं यहाँ पे। आओ एक एक सब्जी दिखाता हूँ आपको मैं। यार ये लगे हुए हैं, इसको कहते हैं शक्करकंदी। शक्करकंदी कल निकाली थी हमने, तो ये देखें कल वाले की जड़े। खैर ये शक्करकंदी है, ये भिंडियाँ हैं, भिंडियाँ, हाँ ये भिंडियाँ नहीं यार ये भिंडियाँ नहीं है, ये कद्दू है। ठीक है तो माजर चाहता हूँ। सोलर प्लेट भी लगाई हुई है, बिजली 3-3 दिन यहाँ पे चली जाती है, उसके बाद वापडे वालों को देने का दिल नहीं करता। खैर आगे दिखाता हूँ आपको। भाई के देखो ये हैं टींडे, चक की ताज़ा सब्ज़ी। ये लगी हुई हैं मिर्चें, और मिर्चें चेक करें, ये देखिए मिर्चें हैं। ये किधर 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 हैं किधर? ये देखें जी ये बैंगन है, क्या बात है। ये देखें ये है तरह जो सलाद में हम इस्तेमाल करते हैं। ये भिंडी लगी हुई है, ये चेक करें। और ये है टमाटर, ये है ग्रेप फ्रूट। ये बड़े होंगे तो फिर खाने का मजा आएगा इसका, बड़े होकर बहुत। यार गांव के फायदे भी हैं, देखिए आपको खाली सब्जी मिल जाती है। आप शहरों में पता नहीं किस तरह का पानी लगता है, किस तरह का नहीं लगता, ठीक है, तो यहाँ पे खाली सब्जी मिलेगी आपको, खाली दूध मिलेगा आपको, बाकी भी खाने की जो भी चीज़ें हैं वो खाली से मिलती है। मुर्गियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे, देसी मुर्गी खाने को मिल जाती है, देसी अंडे मिल जाते हैं खाने को। चलो आपको थोड़ा सा बाहर का मंजर दिखाते हैं। थोड़ी देर पहले आपसे ऊँट की बातें कर रहा था तो आपको दिखा भी देता हूँ। अब यार ऊँटों की जगह ले ली है, मोटरसाइकिल ने ले ली है, गाड़ियों ने ले ली है। देखें वो सामने गाड़ी खड़ी हुई है। कच्चे घर होते थे पहले और अब पक्के घर हैं, पक्की ईंटें हैं।
और ये है तर तरह तरह जो कि सलाद में इस्तेमाल होती है। फिर आप लोगों को दूसरे घर लेके चलता हूँ। हाँ यार मामू, कैसे करते हैं गुजारा इतने गर्मी में आप? इधर गुजारा, इधर नजारा है। नजारा किधर है यार? हाँ नजारा, कल से इतनी टिका के गर्मी पड़ रही है, अभी मामू कह रहे हैं नजारा है। मौसम इतना अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा मौसम है। मौसम है, बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी में पसीना आ रहा है। जी सही कह रहे हैं, जिस्म साफ हो जाता है। जी जी, तू चाहता है? हाँ, ये बड़े मजे की बात है, कोई और चीज ठंडी हो या ना हो, यहाँ पे पानी बड़ा ठंडा है। बहुत बहुत ठंडा पानी है यार, पी लो ना, हालो नलके का बड़ा ठंडा पानी है, मोटर का बड़ा ठंडा पानी है। ये बहुत कीमती चीज है, ठीक है? कितनी कीमती चीज है? सब्जियां नहीं होती भाई। घर के पिछले वाले हिस्से की तरफ से जाते हैं हम, तो फ्रंट से तो हर कोई जाता है, लेकिन क्यों ना बैक डोर से जाया जाए। बस ये है कि आप बैक डोर पे कुत्ता शुता ना हो यार। ये जब मैं बचपन में आता था, ये सारी जगह यहाँ पे सारा रेत थी, सारी रेत थी, बिल्कुल रेत के टीले थे, और ये बाउंड्री होती थी, ठीक है? हाँ, यहाँ पे यहाँ पे सारे जनाब ये कांटे वगैरह लगे होते थे, यहाँ से फिर हम कूद कूद आगे जना उधर चले जाते थे। देखिए ये जैसे अभी चेक करें यार, सही यार मज़ा आता है, ठीक है? और मैं बाबा ईयर से बाहर आया हूँ गाँव में। ये देखें, ये सारा एरिया जो है ना, ये सारा एरिया यहाँ पे, अब ये क्या मूंगफली लगी हुई है? मूंगफली लगी हुई है, अब ये मूंगफली लगी हुई है। और पहले वो अगर आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे, तो उसी तरह यहाँ पे भी रेत के टीले होते थे। ये देखें जी, सोलर का सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट किया है, यहाँ पे ये ट्यूबवेल जलाते हैं और यहाँ से फसलों को सारे को पानी देते हैं। यार ये नया कर दिया, फिट ये तो पहले यहाँ पे नहीं होता था ये, तो ये देखें जी, चेक करें, यहाँ पे तकरीबन गांव के बच्चे शच्चे नहाने आ जाते हैं, और मैं तो नहीं आया अभी तक। कहा था सुबह, आप सुबह उठे कौन, लेकिन मैं सुबह उठा हुआ था, लेकिन आने की जहमत नहीं की मैंने। ये सारे सीमेंट की कर दी है इन्होंने, हैं ये आगे तक जा रही है, वो उधर जा रही है। अच्छा, वहाँ से पानी वैसे खाले बनाएंगे। ये देखिए, ये पूरा सेटअप यहाँ पे करते हैं, मतलब इसको खोलते हैं, खोल के एनर्जी सोलर से एनर्जी, फिर वो ट्यूबवेल वगैरह चलते हैं और सारा यहाँ से पानी जाता है पूरी ज़मीनों को। अभी इस बाग को तकरीबन 3 साल लगेंगे। ये क्या लगा हुआ है? एक तो मूंगफली लगी हुई है, दूसरा मौसमी है, किन्नू है और मीठे हैं। ओ भाई लोग, यहाँ पे तो सारा कुछ ही यार बदला हुआ है। ये सामने घर है, इसकी घर की बैक साइड है ये, ठीक है? उस साइड पे फ्रंट है। तो अब ये जो हिस्सा है ना, ये वाला सारा, ये होता था यहाँ पे, पहले होते थे गायें वगैरह होते थे, बकरियाँ होती थी, और यहाँ पे ऊँट होते थे, 2 से 3 ऊँट होते थे। यहाँ पे सारा कुछ डेरा वगैरह होता था, यहाँ पे जानवर वगैरह होते थे। और ये जो बाहर की जगह है, ये सारी जनाब मैं आपको बताता हूँ, ये जो ट्यूबवेल है ना, ये ट्यूबवेल होता था, और बचपन में यहाँ पर हम नहाते थे, ठीक है? ये वाली जगह, यहाँ पर सारा सिस्टम होता था ट्यूबवेल का। और ये जो सफ़ेदे लगे हुए हैं, ये हाँ, ये जहाँ पे सफ़ेदे लगे हुए हैं ना, यहाँ पे पहले होता था फिश फार्म होता था, ठीक है? क्या कर रहे हो? घर बना रहे हो? हैं? नहीं तो भाई की तरफ ही। चलो सही है, बनाई जाओ, बना के बताना फिर क्या बनाया है। ये देखें जी, घर भी अब बन रहा है, ये पहले होता था, यहाँ से भी कच्चा होता था, ठीक है? ये वाली जो दीवार है, ये यहाँ पे होती थी पहले, यहाँ पे होती थी और अब वहाँ पे चली गई है। ये पहले सारा नहीं होता था, ठीक है? और ये भी अब नया बना रहे हैं। सूरज गया ढल, ठीक है? तो अब यहाँ की हवा भी थोड़ी हो गई है ठंडी,
और अगले 2-3 घंटे तक ठीक हो जाएगा, मौसम सही हो जाएगा। यार इतना कुछ तो नहीं बता सका आपको, लेकिन अभी बताने के लिए बहुत सी बातें हैं, बहुत सी जगह हैं जो दिखानी है, लेकिन अब अंधेरा हो रहा है ऐसा ऐसा, तो क्यों ना ये वीडियो यहीं तक रखी जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।